सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कोरेक्स टी और टोरेक्स कफ सिरप के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं जब आपको खांसी होती है तब, इसमें कौन बेटर रहता है। जैसे कोरेक्स टी है या टोरेक्स है, तो इसमें हम बताएंगे कि टोरेक्स बढ़िया रहता है कि कोरेक्स टी, और इसके मतलब क्या क्या अलग अलग फ़ायदे हैं कि सेम टू सेम है, और इसका जो प्राइस है वो कितना है कि आप जाके उतना पैसा लेके जाएं घर से और इसको ख़रीद के लेके आएं। तो ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे कुछ, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो रहता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही रहती है, किसी की ना किसी के बारे में हम बताते ही रहते हैं। जैसे जो भी, चाहे वो गांव का हम ब्लॉग अपना डालते हों या फिर ये मेडिकल का ब्लॉग डालते हों दवाइयों से रिलेटेड, तो सब में कुछ ना कुछ बढ़िया ही रहता है, कुछ आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ही रहती है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ ही रहती है। तो आज हम बताएंगे कोरेक्स टी और टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरेक्स टी का, पहले अगर प्राइस की बात ही कर लें क्योंकि पैसा सबसे पहले है, तो 134.94 रुपये इसका है, और ये आपको 135 में जहाँ तक है मेडिकल से मिलेगा। शायद कुछ लोग कम कर दें तो वो अलग बात है। और इसका जो है ये 120 रुपये इसका पड़ेगा आपका टोरेक्स का, तो 120 इसका मतलब कि 15 रुपये ये आपका महंगा है कोरेक्स टी। और क्योंकि ये शुगर फ्री भी है तो जिसको डायबिटीज़ होती है वो अपना इसको ले सकता है, और जो टोरेक्स है इसका तो ये शुगर फ्री है नहीं। 100 ml देखिए ये भी है, 100 ml देखिए ये भी है, तो 15 रुपये ये आपका कोरेक्स टी महंगा है। पहले क्या होता था कि एक कोरेक्स आता था जो कफ सिरप था, एक ऐसे ही बॉक्स में आता था, अभी तो पूरा पैकिंग है रैपर में, तो वो जो था उसको लोग क्या करते थे कि ये जो आते थे मजदूर आते थे तो ये अपना देसी सब छोड़ के अपना सब यही कोरेक्स ही पी जाते थे। तो इसमें थोड़ा अल्कोहल भी रहता है तो थोड़ा नशा भी करता है, इसलिए इसको ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। और लेकिन जो टोरेक्स है ये थोड़ा ठीक है, इसका उतना असर नहीं रहता है, लेकिन ये जो कोरेक्स टी है इसका थोड़ा ज़्यादा आपका अल्कोहल का जो इसमें जो रहती है जो मात्रा रहती है वो थी, शायद अब नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं अब लिखा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसके फार्मूले में भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। और इसका जो एडल्ट डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये एडल्ट 5 ml की बात करें तो 5 ml आप अगर एडल्ट हैं तो 4 अपना चम्मच टीस्पून अपना 4 टाइम अपना आपको पीना है। और वहीं टोरेक्स की बात करें तो इसका भी सेम टू सेम ही है अपना, इसको 4 से 6 घंटे के वो क्या कहते हैं कि अंतराल पे डिफरेंस पे आपको इसको भी पीना है ऐसे करके। तो इसका इसका जो डोज है ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप मतलब एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, आप बाय फिजिशियन से ही डॉक्टर से ही सलाह ले सकते हैं। तो ये जो टोरेक्स है इसका भी लगभग सेम डोज रहता है, आप इसको भी अगर एडल्ट हैं तो अपना 5 ml अपना निकाल के 4 टाइम अपना पी सकते हैं आराम से। और एक क्या रहता है सिरप में, जब आप कोई भी सिरप अगर आप पीने जा रहे हो तो एक बार उसको सेक जरूर कर लें, इसको एक बार ऐसे हिला लें, जो कि ये क्या होता है ना कि नीचे जाके ये बैठ जाता है, जो इसके कुछ जो सॉलिड एक टाइप में होते हैं जो अंदर इसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। और इसमें आप देख सकते हैं लिखा भी है साफ साफ ये ड्राई कफ है, जो सूखी खांसी आती है और एलर्जी एंटी एलर्जिक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है कोरेक्स टी। टोरेक्स बढ़िया लेकिन इससे थोड़ा बेटर पड़ता है कोरेक्स टी। तो ये कैसा लगा ब्लॉग, अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बना दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिख बताइए कुछ कि कैसी वीडियो थी, और ताकि इससे हमारा भी कुछ मोटिवेट थोड़े होते रहें कि कितना मतलब कुछ मतलब आ रहा है, नहीं तो ऐसे तो फिर व्यू देख ही रहे हैं आप लोग कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।